दैनिक जागरण और एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स के संयुक्त तत्वाधान में मेधा सम्मान समारोह का आयोजन शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से आईजी नीलाब्जा चौधरी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर, 26वीं वाहिनी पीएससी के कमांडेंट हेमराज मीणा, गाजीपुर मैशेड अभिषेक कुमार, जागरण के संपादक उमेश चंद्र शुक्ला सहित कई अन्य मौजूद रहे। समारोह के दौरान अतिथियों ने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा वर्ष 2017 के सफल 6 प्रतिभागी मनीष कुमार राय, पुष्कर शर्मा, अंकिता सिंह, अनिल कुमार यादव, अंशु कुमार, डॉक्टर मनोज चौधरी को अंग वस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सफल प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इनसे अन्य युवाओं को प्रेरणा लेने की बात कही। इस दौरान अतिथियों ने अपने अनुभव को भी सबके बीच रखा। आगे जाइएगा। कैंपस सिलेक्शन के बाद 2 वर्ष की नौकरी करने के दौरान मुंबई में सहायक ट्रेड सेक्रेटरी में शुरुआती पढ़ाई हुई। आपने आईआईटी बीएसयू से अपनी पढ़ाई पूरी, एचपीसीएल, सीआईएसई, प्रारंभिक शिक्षा आपने ग्रामीण, 2014 में आपने उत्तर प्रदेश लोक सेवा के शिक्षक के पद पर तैनात हुए, लेकिन आपका मन प्रशासनिक परीक्षाओं की ओर लगा। हमारे बीच में अंशु कुमार जी उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके मां सभी के लिए कुछ पंक्तियां अंकित कर कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। हमारे मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ना सिर्फ आप सेलेक्टेड लोगों को आप लोग उनको सम्मानित करते हैं, बल्कि साथ ही साथ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने यहाँ पे जनरेट किया है जहाँ पर जो लोग आगे तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना, उनको मोटिवेशन करना, क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम एक थोड़ी सी दूसरे एग्जामों से थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया होती है। आपको अपने पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का, गार्जियंस का सपोर्ट, आपका पेशेंस लेवल, और एक मल्टी डायनेमिक एग्ज़ाम होता है, तो उस लेवल की प्रिपरेशन के लिए सतत रूप से मोटिवेटेड रहना, कॉन्फिडेंस लेवल अपना जनरेट रखना लगातार, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो ये जो एक दैनिक जागरण समूह ने इस तरह का एक आयोजन किया है, इससे निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो आने वाले अभ्यर्थी हैं उनको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। मैं यहाँ पर जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि जीवन में उन्होंने जो कामना की उसके लिए वो सफल हुए और इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए हैं। जो यहाँ पर अभिभावकगण आए हैं, जो कुछ लोग यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, उनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप जिस मन से, जिस भाव से, जिस उद्देश्य से सर्विस में आए हैं उसके अंदर आप सफल होंगे। और क्योंकि समय बहुत अधिक नहीं है, अंत में बस एक चीज़ देकर जो मैंने सर्विस में सीखी, हम लोग जब सेलेक्ट होते हैं तो सिलेक्शन के पहले से एक प्रक्रिया चालू होती है, सेलेक्ट होना एक ब्रेक होता है, और उस ब्रेक के बाद जब हम सर्विस में आते हैं तो नित नई चुनौतियों का डेली बेस पे हमें सामना करना पड़ता है। जिस तरीके से हम एग्ज़ाम प्रिपेयर करते हैं, जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल रहता है, पेशेंस लेवल रहता है, जो हमारा बैलेंसिंग एक्ट रहता है, वो आगे आने वाली सर्विस में भी हमें बहुत बहुत हेल्प करता है अपने आप को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए। तो ये सिलेक्शन होना भी मेरा मानना होता है कि एक बिगनिंग होती है, एक पूरे पब्लिक सर्विस की शुरुआत की। तो इस बिगनिंग की शुरुआत में एक अच्छा आयोजन आप लोगों को मिल रहा है, तो मैं समस्त जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुना देता हूँ। और जो अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो कि जो मेरी जानकारी है उनसे कई लोग सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि अगले साल आगे आने वाले वर्ष में आप इसी तरह गोरखपुर जनपद का नाम रोशन करें। जय हिंद। करने वाले उनके माता पिता, उनके अभिभावकगण जो आज यहाँ उपस्थित है, एवं इसी परीक्षा में आगे सफलता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले सभी अन्य
जिसको कहा गया हम लोग कहते हैं अभ्यर्थी पर एक्सपीरियंस जो कि आप लोग कितने लोग पीछे कितने लोग इस परीक्षा में संबंधित होने के सोच रहे हैं जरा हाथ खड़े कर सभी लोग। अच्छा शुक्ला जी ने मेरे को एकदम चुन चुन के सभी को समाचार दे के यहाँ उपस्थित किया है प्रेस के मीडिया के बंधु में और अन्य सभी को यहाँ इस परीक्षा के उपस्थित है। शुक्ला जी ने अपने उद्बोधन में कहा था कि हम लोग कल आज और कल तीनों का यहाँ समागम करते हैं तो मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने हमें कल बताया हम लोग कल ना हो के भूतकाल के बराबर है कि हम लोग इतने पुराने हो गए हैं कि उस समय परीक्षा की जो पैटर्न हुआ करता था वो टोटली डिफरेंट थी आज के तारीख से और लेंदी भी बहुत हुआ करता था उसके जिसको कहते उसके प्रणाली अलग थी और उस समय की जो तैयारी का प्रोसेस था और आज की जो सिलेबस है वो संपूर्णतः भिन्न है तो शायद ज़्यादा से ज़्यादा अभिषेक हेमराज आपकी कुछ सहायता करता अभिषेक तो निश्चित रूप से पिछले बार ही हो या सम्मानित हो चुके हैं तो बहुत फ्रेश है और नए पैटर्न के एग्ज़ाम के भी हैं परंतु कुछ बेसिक चीज़ें कभी बदलती नहीं तो निश्चित रूप से आज जो सफल अभ्यर्थी का नाम आपके सामने आए हैं चयनित होकर वो अपनी सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस आपको निश्चित रूप से बताएंगे क्योंकि आप में से कोई दोबारा एग्जाम तो देने वाले नहीं है ना दोबारा भी कोई इच्छा रखते क्या देने की एक है। अच्छा चलिए आप अपनी सीक्रेट पर बताइएगा आप दोनों अपनी बता दीजिए ठीक है ना। तो देखिए इसका मैंने भी जब इस एग्जाम को देने का सोचा तब मैं एक सरकारी सेवा से त्याग पत्र देकर निजी क्षेत्र में कार्यरत था और उस समय भी मैं कई लोगों से ये चीज़ पूछा कि इस परीक्षा में सफलता की मूल मंत्र क्या है तो किसी ने कुछ बताया किसी ने कुछ बताया। एक इंदौर में एक एडिशनल कलेक्टर हुआ करते थे शैलेंद्र सिंह उनने एक ही चीज बताया कि इसका कोई मूल मंत्र बस इतना ही है कि अगर आप इस सफलता की चाहत दीवानगी तक की है तब निश्चित रूप से आप इसमें सफल हो जाएंगे। मैंने कहा सर थोड़ा स्पेसिफाई करिए मामला क्या बताना चाहते हैं बोले कि यही समझना चाहिए कि जब हम तैयारी कर रहे हैं कि इस तैयारी के आगे भी कुछ और हो सकता है अगर हम असफल हो जाए वो गुंजाइश ही ना रहे। तो मैंने समझा कि भाई इसको अंग्रेजी में हम लोग कह सकते थे डू और डाई बोला सर क्या यही आप कहना चाहते हो हाँ यही है। मैंने कहा सर तो मैं तो अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहता हूँ मैं अब दोबारा नौकरी वगैरह छोड़ने के मूड में नहीं क्या नौकरी करते हुए दिया जा सकता है। उनने फिर से अपनी वही पुरानी लाइन दोहराया तो मैंने कहा सर तो हो कैसे पाए आप कह रहे हो कि भाई इसके अलावा कुछ सोचो ना समझो तो इसके आगे भी मत जाओ बोले कि जितने देर तैयारी आपकी है चाहे 3 घंटा हो चाहे 5 घंटा हो चाहे 10 घंटा हो परंतु आपकी लेवल ऑफ एप्लीकेशन इतनी होनी चाहिए आपकी उसमें जिसको कहा जाए मतलब इतना आपको उसमें डूबना चाहिए कि आपकी उतनी परफॉर्मेंस उतने ही टाइम में आ जाए। तो मैंने वही सोच के इस परीक्षा में सम्मिलित हुआ था क्योंकि निजी क्षेत्र में आप जानते हैं कि सैलरी अच्छी मिलती है तो काम भी बहुत के वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा होता है परंतु मैंने यही प्रयास यही किया कि जितने देर तक भी हम तैयारी करें हम उसमें से अपना फुल आउटपुट निकालने का प्रयास करें नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आप 16-16 घंटे बैठे 10-10 घंटे बैठे 8-8 घंटे मतलब क्योंकि कई बार कई लोगों को मैंने देखा है
एक मैं मेरे सहपाठी हुआ करता था, एग्जाम में वाकई सफल होना चाहते हैं कि नहीं, और अगर आप सफल होना चाहते हैं तो क्या आप इसमें पूर्ण लगन से जुड़ने को तैयार है कि नहीं। पूर्वांचल में बड़ी कहावत है कि कोई अगर दिल्ली में चला गया है, कहीं इलाहाबाद में चला गया है, भले वो तैयारी कर रहा हो कि ना कर रहा हो, लोग कहते हैं सब अपने बच्चा कहाँ है, सब तैयारी कर। तो तैयारी करने का जो समय सीमा है वो कभी कभी 2 साल से लेकर 10 साल तक भी हो जाता है। और मैं ये मानता हूँ, देखिए शायद मैं थोड़ा सा इसमें डिफर कर रहा हूँ कि जीवन में यही एकमात्र मतलब जो है ऑप्शन नहीं है, आपको एक रियलिस्टिक अटेम्प्ट इसमें देना चाहिए और उसके बाद जीवन में आगे भी बढ़ने की जो है जिसको कहते विचारधारा भी रखना चाहिए कि भाई अगर इसमें नहीं हुआ तो मैं क्या आगे भी क्या करना। आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कहा जाता है कि सफलता की जब भी हम कुछ करें, चाहे आप इस समय स्टूडेंट हो, चाहे इस समय आप तैयारी करो, चाहे इस समय आप कहीं कार्यरत हो, जो भी आप करो पूर्ण मेहनत और पूर्ण लगन से करें, जितने देर तैयारी करिए उतने देर उसमें पूरा ध्यान लगाइए। और अगर आपको फाइनली आप इस नतीजे पर पहुँचते हो कि शायद मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा, तो भी मैं समझता हूँ जीवन के 5 साल से अधिक इस एग्जाम के लिए बिताना उचित नहीं। मतलब मेरा ये अपना निजी विचारधारा है, प्लीज़ इसको आप बताओ, क्योंकि इसमें अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए बताया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 5 साल आप इसमें व्यतीत कर सकते हैं, अगर 5 साल में आपको रिजनेबल सफलता नहीं मिली, आप ठीक है आप आगे आप उस इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन आपको रिजनेबल सफलता थोड़ी बहुत कहीं आप नीचे के रैंक में सिलेक्ट अगर नहीं हो पाए तो आपको कहीं अन्य भी अपना जीवन की जो मंजिल वो ढूंढने के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे पे आए हैं उनके एक्सपीरियंसेस आप सुने, हम लोग यही मैं तो उनसे यही कहूँगा, अब तक आप पढ़ाई करते थे, मेहनत करते थे, अपने लिए करते थे, नाउ यू आर इन योर सर्विस। सर्विस और पेशा और नौकरी में बहुत अंतर है। सर्विस किसके लिए किया जाता है? दूसरों के लिए। और आज से जब से आप इस सेवा में आ गए हैं तब से आपकी निजी जो है अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित हो जा रहा है। आज आप एक बहुत प्रमुख मीडिया के अखबार या मतलब समूह द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। आवश्यक नहीं है कि आप हमेशा जब मीडिया के सामने खड़े हो तो आपका सम्मान ही किया जाए। आगे बहुत कठिन आने वाले हैं, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। शुक्ला जी हमारे पर बड़े हाथ बड़े करके देख रहे हैं, तो मैं आगे नहीं बात करूँगा। तो इसके लिए भी आपको तैयार होना है, और शायद इसीलिए इस परीक्षा की तैयारी इतनी कठिन की जाती है कि आपको अपने खाली जीवन में भी बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आपको टाइम मैनेजमेंट उतना ही करना है, इतने सारे कार्य को सीमित समय में सीमित संसाधनों में आपको पूरा करना है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि भाई बहुत सारे कुछ करना है, सिलेबस बहुत बड़ा है, भाई कैसे करूँगा, आप ये सोचिए कि ये भी आपके कार्य जीवन के लिए प्रशिक्षण के रूप में ही है। मैं और समय नहीं लूंगा, सभी भावी अभ्यर्थियों को यह मैं शुभकामनाएं देता हूं। पुनः चयनित जितने अधिकारी आज चयनित होकर सम्मानित हुए हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। मानसिक और आर्थिक मतलब एकदम सारी तरीके से जो भी हेल्प मिलती है तो देने वाले जो उनके पीछे जो खड़े रहते हैं हर पल, उन लोगों का भी यहाँ पे सम्मान इनके द्वारा किया जाता है, उनको बुला के वो भी इनका एक प्रोग्राम के पीछे इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। और तीसरा, इस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ने वाले जो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, उन सबको जो सामने बैठे हैं मंच पे, उनको देख के एक प्रेरणा मिलती है कि देखिए हम भी यहाँ से अगर कुछ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम है, मैं इसके लिए दैनिक जागरण समूह के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।